दोस्तों रिसेंटली में Xiaomi ने चाइना के अंदर Redmi Note 11T Pro 5G सीरीज को लॉन्च किया है। Redmi Note 11T Pro 5G देन Note 11T Pro Plus 5G दो स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, बट ये इंडियन मार्केट में इनके एक्चुअल नेम से लॉन्च नहीं होंगे बल्कि रीब्रांड किए जाएंगे Poco के अंडर में। जी हाँ, Poco X4 GT 5G देन X4 GT Pro 5G के नाम से लॉन्च होंगे, और क्योंकि ये IMEI डेटाबेस पर भी ऑफिशियली सपोर्ट हो चुके हैं जहां से भी कंफर्म हो जाता है। और भी बहुत सारी न्यूज इनके रिगार्डिंग निकल के आ रही है जिनसे कंफर्म हो जाता है, और जैसा कि Poco के अंडर में ये लॉन्च होंगे तो ऑफिशियली प्राइस तो कम होनी है। दोस्तों आपको मैं बता दूं, इन दोनों स्मार्टफोन में बैटरी और फास्ट चार्जिंग के सिवाय कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता है, फीचर्स और डिजाइन एग्जैक्टली सेम ऑफर किया गया है। बट दोस्तों जब ये इंडियन मार्केट में लॉन्च होंगे ना तो इनके अंदर कई फीचर्स में डिफरेंस किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं पर भी पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों जो नोट 11T प्रो 5G है ना, वो इंडिया में X4 GT 5G के नाम से आएगा, जबकि 11T प्रो प्लस 5G इंडिया में X4 GT प्रो 5G के नाम से लॉन्च होगा। सबसे पहले दोस्तों इनकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर दोस्तों आपको बैक साइड में वही डिजाइन ऑफर किया जाएगा जो कि ट्रेंडिंग को फॉलो करता है। Realme 9 Pro 5G सीरीज, Realme 9 5G सीरीज, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G और भी कई स्मार्टफोन में सेम डिजाइन ऑफर किया जा रहा है, आज के ट्रेंडिंग को फॉलो करता है। तो आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा मॉड्यूल मिलेगा जो कि कैमरे की अरेंजमेंट सेम तरीके से की जा रही है। यहाँ पर बस आपको LED में डिफरेंस मिल सकता है, थोड़ी सी लॉन्ग आपको मिलेगी, अदरवाइज जो डिजाइन है वो आपको सेम बाकी स्मार्टफोन से सिमिलर देखने को मिलेगा। बैक साइड ग्लॉसी फिनिश के साथ आने वाली है, सेंटर पंचुअल डिस्प्ले डिजाइन होगी और ये फ्रेम प्लास्टिक के साथ आएंगे। दोस्तों डिस्प्ले की बात करता हूँ ना, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ऑफर किया गया है विद 144 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, जो कि सेम डिस्प्ले आप लोग Realme के 9 SE 5G के अंदर ऑलरेडी देख चुके हो। इसमें साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर होगा, डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन होगी। दोस्तों परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो यहाँ पर आपको मीडिया टेक का डायमंड 8100 फ्लेक्सिबल चिपसेट मिलता है जो कि ओनली 5nm फैब्रिकेशन पर बेस्ड है, जिससे आपको काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट मिलेगी, मतलब आपका बैटरी बैकअप लंबा चलने वाला है सिंगल चार्ज पर, तो ये काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल ग्रेड का चिपसेट है, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होगा ना वो नेक्स्ट लेवल का होने वाला है फ्लेक्सिबल ग्रेड का। बाकी दोस्तों इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स होगा जो कि MIUI 13 के लेटेस्ट वर्जन पर आने वाला है। इसमें LPDDR5 RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप ऑफर किया गया है। दोस्तों दोनों में आपको सेम डिजाइन, डिस्प्ले और परफॉर्मेंस मिलता है। अब बात करते हैं कि इंडियन वेरिएंट में क्या डिफरेंस किया जाएगा। बैक साइड में ट्रिपल कैमरास होंगे, प्राइमरी लेंस होगा 64 मेगापिक्सल का X4 GT 5G के अंदर, जबकि X4 GT Pro 5G के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है, बाकी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड देन 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस दिया जाएगा। इसमें दोस्तों दोनों में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग होगी। दोस्तों अगर बैटरी की बात की जाए तो X4 GT 5G में 5000 mAh की बैटरी होगी विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, जबकि GT Pro 5G में आपको 4400 mAh की बैटरी दी जाएगी, वो भी 120 वॉट के अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के साथ, में भी चार्जर बॉक्स में भी मिल सकते हैं। इसमें दोस्तों टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक, NFC, फेस अनलॉक, ये सारे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। दोस्तों फाइनली अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो गाइस देखो, जो नोट 11T Pro 5G है ना, ये चाइना में कुछ अराउंड 1699 yuan के साथ लॉन्च हुआ है। इंडिया में कन्वर्ट करते हो तो 19700 के करीबन होता है, 19700, बट आपको पता है चाइनीज प्राइस से इंडिया में ज्यादा प्राइस पर लॉन्च होता है, तो इसकी प्राइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 25000, जबकि जो GT Pro 5G है ना वो आपको अराउंड 30000 में देखने को मिल सकता है। आपका क्या फीडबैक है इनके रिगार्डिंग कमेंट में बता सकते हैं। लॉन्च की बात करता हूं, तो ये दोनों स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट में जून के एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक कर दीजिएगा अभी तक नहीं किया तो, और प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।